सवाल वो नहीं है, चोरी अगर कोई भी चीज़ का चोरी करता है तो चोर तो चोर ही होता है ना, ये थोड़े होता है कि वो करोड़ टका चोरी किया इसके लिए उसके अलग कोई दंड विधान है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के घर में घड़ी भी चोरी करेंगे, जो अपराध करेंगे उसका भी वो दंड जो विधान बनी हुई है उसके तहत ही आपको दंड मिलेगा, कानूनी उसी के तहत ही आपको सजा मिलेगी। और ये तो मुख्यमंत्री, हर मुख्यमंत्री रह कर के इन्होंने पद का दुरुपयोग किया, सरकारी जमीन को अपने नाम से पट्टा इन्होंने बंदोबस्त किया, ये अपराध है। लेकिन वो बोले 2008 में नहीं थे मुख्यमंत्री, उनका हमने कहा कि 2008 में मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने क्लियरेंस ले रहे हैं अपने साइन से, अपने हस्ताक्षर से। अगर वो मुख्यमंत्री बने और उसे पहले लिए हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद कायदे से तो उस दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री के ओथ लिए थे उस दिन उनको सरेंडर कर देनी चाहिए था, लिख करके उनको वापस कर देनी चाहिए थे, लेकिन उल्टे उन्होंने किया, ये तो और बड़ा जुर्म है। और इसलिए हम कहेंगे कि वकील तो ठीक है, उनके लिए अच्छे वकील है, बहस करेंगे, लेकिन सजा तो मिलेगी हेमंत सोरेन जी को। अरे बीजेपी जब इतना नजदीक हो चुकी है तो क्यों नहीं मैनहट पे कुछ बोलती है, मैनहट के मुद्दे पर वो क्यों चुप हो जाती है? हमने कहा कि भाई सरकार तो उनकी है ना, बोल रहे आप लोग जो हमने कहा कहाँ कहाँ कौन भाई, हम कह रहे हैं कि जिनके ऊपर राय जी ने आरोप लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के ऊपर, रघुवर दास जी ने तो खुल के कहा कि भाई हिम्मत हो तो जाँच करे, कौन उसमें भाग रहे हैं। अगर उन्होंने कहता कि भाई नहीं जांच करना, क्या कहते हैं रघुवर दास जी ने दुनिया के सामने खुल करके कहा, उससे अधिक तो और क्या कर सकते हैं। उसके बाद तो राय जी जिसकी वकालत करते उनसे मिलना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। उनका ये आरोप है कि